राजा भाई तोरा मोहब्बत की कुंडली में 7.5 ठुक गई बा भाई, पता ना और किसन किसन दिन देखी। चल चल केनिए केनिए सुन रह, बाद में अपना मुंह में चप्पल से मरी है। ऐसन बा भाई, ये तो हर ससुर का घर ना समझे, जल्द से निकला यहाँ से, तो जिंदगी भर जेल में बैठ के काजल डार्लिंग का लव लेटर लिखा रही बा। चुप चाप सुन बे। ठीक बा ठीक बा, यार के इसके खातिर तनी तनी हमरो के रिस्क उठावे के पड़ी। चला वॉचमैन, जरा इन लोगों का बैग चेक करो, क्या क्या चुरा के लाया है, जल्दी लाओ। मैडम, काजल मैम साहब का फोटो है। काजल बेटी की फोटो? आप काजल जी का मम्मी है, आप पापा है, ये काजल जी का घर है ना? नहीं, तुम्हारे बाप का घर है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। अरे अरे, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? हा? अरे आप इनको नहीं जानते, इनको? चल छबीला रंग रंगीला दीवाना मस्ताना, अरे ये है ये है ये है राजा भैया, काजल जी का बहुत बड़का फैन है। तो कहा है ना मम्मी जी, जब से काजल जी हमारे गांव में प्रोग्राम देने गई थी, तभी से कुछ ज्यादा पगला गया है, अपना गांव छोड़कर काजल जी का सेवा करने के लिए यहां मुंबई आ गया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग अंदर घुसे कैसे? रात का बात था, भिखारियों का साथ था, रात का बात था, भिखारियों का साथ था, हम भाग रहे थे, वो दौड़ा रहे थे, फराटा मर के सो रहा था, फराटा मर के ठोका। ये कुंभकर्ण का आला तो आपका घर वाला लुटवा देगा, निकालिए इसे और हमें रख लीजिए, हम आपका सेवा करूंगा, वो भी एकदम फोकट में। अब हम भी करूंगा फोकट में सेवा। अरे ललिता, महंगाई के जमाने में फ्री के नौकर मिल रहे हैं, सामान लेके चंपत हो गए तो सू करवा लूं? अरे नहीं नहीं, ये तो सोचो, जो आदमी इतनी दूर से बिटिया की सेवा के लिए यहाँ तक आ सकता है, सोचो वो कितना बड़ा दीवाना होगा, और मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि दीवाने कभी धोखा नहीं देते। बाकी बात बिल्कुल सरू छे। ए वॉचमैन, आज से तारी छुट्टी थाई गई, गेट आउट। इसका मतलब हमारा गृह प्रवेश हो गया? हो गया। सामान उठाओ और उधर कमरा जाओ, मैं बाद में आके काम बताती हूं। अमर बदन के लिए है ना साहब, हाँ सब जाओ। बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी पापा जी, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी पापा जी, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी। अब तो इसके पगार का पैसा भी हम रख लेंगे। देख ली रेडियो, मान चंगा तो कठौती में गंगा। मान गई नहीं यार, तोरा मोहब्बत में दम बा, भगवान सीधा काजल के घरे में पहुंचा दे। अबू का दिल में घुसे के रास्ता बनावे के बा। वाह किया गुरु। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब ये बताओ, तुम दोनों में से चाय कौन अच्छा बनाता है? मम्मी जी हम सुपर फास्ट चाय बना लेते हैं। वेरी गुड, सुपर फास्ट चाय बनाओ और सुपर फास्ट मैडम को दे के आओ। ओके, मिल गई रास्ता, अब पहुंच जो दिल में। अंदर ढोके मैडम जी, ढोके। La 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 la
जल्दी से आ गयो। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। शट अप, तुम मेरे ही घर में मेरे ही बेडरूम में घुस के मेरे ही कप में कॉफी पी रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गलती से मिस्टेक हो गया। किस पागल ने तुम्हें अंदर आने दिया? वो पापा जी पागल है का? दरअसल बात ऐसा है ना कि आज से हम आपका सेवक है। आप खिसी आइए जान, हम अभी अभी गुड मॉर्निंग वाला चाय बना के ला रहे, सॉरी कॉफी। चाचा जी, चाचा जी, चाची, चाचा जी। सूत है बेटा, तमे आने ओळखो छो? ये तुम्हारा जबरदस्त फैन है, इन्हें आज ही नौकरी पर रखा हूँ। नो वे अंकल, आप इसे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालिए। ये इसका दिमाग ना क्रैक है, इसने मुझे आई लव यू बोला, और आई लव यू तो छोड़ो, ये मुझसे शादी करना चाहता है। और देखिए मैडम जी, आपने हमको एक झापड़ मारा था, वो बोल दीजिए पापा जी से। देखा, सुन लीजिए, एक थप्पड़ खाने के बाद भी यहाँ पे पहुँच गया, अब तो आप समझ ही सकते कि कितना बड़ा पागल है। अभी आप इसको यहाँ से निकालिए। देखिए मैडम जी, अगर आपका मन कर रहा है तो हमको एक झापड़ और मार लीजिए, लेकिन हमको यहाँ से भगाइए मत, हम आपको बिना देखे मर जाऊंगा। मैं ही कुछ करती हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन जी, नमस्ते मैडम। अब ये बंदर कौन है? बंदर नहीं मैडम जी, मैं आपका नया वॉचमैन और राजा का लंगोटिया यार, रेडियो। जैसे राजा आपके बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही मैं राजा के बिना नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके इसे यहाँ से मत भगाइए मैडम जी। अरे ये बेचारा तो आपका सेवा करने के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ चला आया है, इसके जज्बात को बुझने का तनिको तो कोशिश करिए मैडम जी। चुप रहो, मैडम को सफा बोलवा का समझ रहे कब है? देखिए मैडम जी, हमारे दीवानापन को गलत मत समझिए, न हम आपके बारे में बुरा देखते हैं और न ही किसी को देखने देंगे। हम तो आपका खाली सेवा करना चाहते हैं, हमारा विश्वास करिए। इतनी हमारी बात समझ, दोनों फोकट के नौकर हैं, दोनों पालतू कुत्ते की तरह हमारी दिन रात सेवा करेंगे। Whatever. Move. जी आई सेड मूव। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से पोछा लगाना किसको आता है? इसको आता है ना, छठी मैया के घाट पर गोबर से बहुत अच्छा लिपता है गांव में। अच्छा, अरे समैया कितना दुर्गति कराई, भगवान फल खाई के और कर्म करता के। लेकिन कुछ को खानदानी पोछा मारे लागत है, गंदा बगीचे लिया पोछा लगा दी, अने गंदा है देखो। हाँ मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आपको नहीं पकड़ता तो आप गिर जाती, आपको चोट लग जाता और दर्द मुझे होता। जाओ जाके मेरे सैंडल लेके आओ। हाँ जी सर जी, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊंगी, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, ओके बाय, जल्दी लाओ। पहनाओ, अगर सैंडल पहनाने में तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। गांव में बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम यही जी बेइज्जत हो जाएं। मतलब? हम बताई थे मैडम जी, असल में जब आप गांव में आए तो सबके सामने जब आपने इनको थप्पड़ मारा, जवार के सामने, अरे तोरा थोबड़ा पे नो एंट्री का ठप्पा लगा के चल गई। याद रख, आज तोरे इज्जत के सट्टा लग गई। अगर काजल गांव में ना आए तो ये पूरा गांव जवार के सामने, हरल पंचायत में तोरा हाथ में कटोरा था भाई। मंजूर बाबू, ओ आई सी, इसका मतलब तुम भरे समाज में भिखारी बनने से बचने के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो और मुझे अपने गांव ले जाना चाहते हो, राइट? मैडम जी, भिखारी तो मैं कल भी था और आज भी हूँ, लेकिन मेरे लिए तो दुनिया